हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज हम रामपुर की गलियों में, देखिए ये हमारे भाई जी पीछे, पौनी भाई। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? बोलना चाहेंगे आप कुछ? ये बोलेंगे नहीं ज़्यादा कुछ। अभी हम प्यार क्या रुके रामपुर की गलियों में घूमने जाएंगे। ये देखिए हमारे पीछे सतपुरी नदी, और पीछे का व्यू देखिए। ये कौन सा इलाका है? ब्रो है निचला ब्रो, सॉरी। ये हम आपको अपना रूम दिखाएंगे। ये हमारा रूम देखिए, आते ही स्वागत होता है हमारे बेड के साथ। और हमारे राहुल भाई जी वॉशरूम गए हैं, तो थोड़ा उनको खिलकाते हैं। राहुल भाई जी हेलो, नहा रहे हैं आप? नहाइए। ये हमारा किचन देखिए, थोड़ी सी गंद नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं। देखो साफ सुथरा किचन। ये हमारा कुकर, ये देखिए एकदम बेरहम रूम हमारा। थोड़ी सी यहाँ पर सफाई नहीं की है, सफाई की ड्यूटी लगाई होती है इनकी, बड़े भाई की। बड़े भाई जी हमारे बीच, देखिए कितने सोने लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं ये। चकाचक दबा के। अभी हम तैयार हो गए हैं, हमारा एक बंदा भी तैयार नहीं हुआ है। आज हम आपको रामपुर की गलियों की सैर करवाएंगे। तो फिलहाल हम जाएंगे, बाल काटेंगे, बहुत कुछ काम करना है, फिर हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो भाई जी बोलो यार, कुछ और भी बोलना चाहेंगे? बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर। अब आगे दिखाते हैं, आगे हम आगे जाके जब हम जाएंगे, हमारे पीछे कुछ हमारे पड़ोसी भी तैयार हो रहे हैं हमारे साथ जाने के लिए, तो ये भी हमारे साथ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं रामपुर शहर की तरफ एक पुल होके। मेरे सपाटी भाई, हेलो सपाटी भाई, सपाटी भाई देखिए पीछे मेरे। तो ये शानदार पुल, नीचे सतपुर नदी। अभी हम जाएंगे, बाल काटेंगे थोड़े, कोई भी काटेंगे ना बाल काटेंगे, आपका क्या इरादा है? वैसे जेब में पैसा नहीं आई, पर गाली चाहिए, जो दान भी है वो थोड़ा हमें पैसे भी दे सकता है। तो ये बाल काटेंगे, सामान लेने को है रूम के लिए, वो भी खरीदेंगे। तो आगे का जो व्यू है वो थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं गाइस। तड़कती धूप के बीच मेरे साथी भाइयों के हाल बहुत ही ख़राब, ये देखिए बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं। तड़पती धूप में निकल चुके हैं हम, लगभग सुबह के 12 बज रहे हैं अभी। ये पीछे किस तरह का व्यू कुछ हमारे रूम से, उधर हमारा रूम है देखिए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुर के ओल्ड बस स्टैंड में। देखिए भीड़ भाड़ वाला इलाका, यहाँ पर ज़रा सी चूक की वजह से भी यहाँ पर गायब हो सकते हैं बंदे, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये है रामपुर का ओल्ड बस स्टैंड, बहुत ही सुंदर प्यारा। ऊपर देखिए पहाड़ों की नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है, बहुत ही मस्त। यहाँ से आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगी, और आपको जाना न्यू बस स्टैंड पड़ेगा, वहाँ से यहाँ से बहुत दूर है न्यू बस स्टैंड। तो अभी फ़िलहाल हमें सस्ते सामान की दुकान नहीं मिली है, जिसे हम ढूंढने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर देखिए गाइस, करेला ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, सब कुछ ले लो गाइस, सब्जी ले लो जिसके चार में। अभी हम रिचार्ज करने जा रहे हैं गाइस वहाँ पे, सड़क पार करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो अभी हम सड़क पार कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे रिचार्ज करवा के फिर से ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। तो गाइस अभी वहाँ से हमें निराशा हाथ लग चुकी है, तो अब नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं हम रिचार्ज करवाने। तो यहाँ पर धूप से बुरे हाल हो चुके हैं मेरे दोस्तों के भी, बहुत ही ज़्यादा सहमे से हैं ये, बोल नहीं रहे कुछ भी यार। गाइस थक हार के मेरे दोस्त, मेरे मित्र भी यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरवाने आ चुके हैं। हालत देखिए, पसीने से लथपथ हमारे बड़े भाई, और ये पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, पेट्रोल भरवाने के बाद मेरे दोस्त तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, देखिए दूरी हमारे बीच में। और ये पोमी भाई जी का भाई भी यहाँ पर साथ में हमारे साथ चलते हुए। रामपुर शहर में हालत ख़राब, पहला दिन नहीं सॉरी दूसरे दिन में हालत ख़राब, लगता है फिर से इनका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। लेकिन राहुल जी का पेट्रोल अभी टंकी फुल ली है, देखिए रेस। ये देखिए गाइस, शाम के 4 बजे हम क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, और ग्राउंड एकदम खाली है, धूप बहुत ज़्यादा है। शाम के 4 बजे भी एकदम तैयार होके आए थे गाइस, यार द लास्ट बार ये भैया भी हमें धोखा दे गए, फ़ोन करके कहते हैं कि आ जाओ, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है,
सुना सुना से अब समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या अनजान शहर में। यहाँ पे ये हम रामपुर शहर के न्यू बस स्टैंड में दस्तक देते हुए अपने दोस्तों के साथ। सुना सुना सा ये बस स्टैंड यहाँ पे। गाइस कटिंग करा के देखिए बाल की एकदम जकास छोकरे लग रहे हैं अमानी की। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। आधा काम हमारा लगभग हो चुका है। अभी थोड़ा सा सामान लेने को है फिर अपने रूम को निकलेंगे। लगता है खेलने का प्लान कैंसिल होने वाला है क्योंकि जो हमारे बंदे थे वो घर चले गए हैं एक दो ज़रूरी काम की वजह से। तो हमारे भाई जी कहाँ गायब हो रहे हैं देखिए पीछे ब्रदर।